नमस्कार बंधुगण, मुँ लिपुन आपण मान टेक टिप्स विथ लिपुन चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज मुझे बताइबि जीप मोर जा कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च से आपंकर बहुत बढ़िया निजुक्ति रही समस्त जहाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी रही जोटि क्वालिफिकेशन रखा जाए प्लस टू पास। जदि आपने प्लस टू पास करते पदवीपाई आवेदन करें गोटे बहुत बढ़िया निजुक्ति रही लोयर डिविजन क्लर्क पदवीपाई। तो चलतु देखने किपर भाव पदवी को आवेदन करेंगे, दरमा के पूरा डिटेल्स। तो भिडियो स्टार्ट करिया पूर्व समस्त गोटे छोटिया अनुरोध करी जो मैंने वर्तमान पर्यटन भी टेक टिप्स विथ लिपुन चैनल को सब्सक्राइब करना तले आसुवा रेड कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करनी। भिडियो को निहत भाव गोटे लाइक करूँ आउ घंटी चिन्ह दबाई देते लाटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलत स्टार्ट करवा। तो देखु मुलरेडी बर्तमान PDF फाइल ओपन करके रखी आपण मैंने देखिपे जहाँकि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर तरफ निजुक्ति रही जहाँकि गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी। एटी आपन को फैकल्टी वैकेंसी रही फैकल्टी और नॉन फैकल्टी रेगुलर बेसिस चाकरी रही गोटे जहाँकि रेगुलर बेसिस कौन कॉन्ट्रैक्चुअल ना रेगुलर बेसिस निजुक्ति रही। तो आपण मैं देखिपे बहुत प्रकार पदवी आपण रही टोटाल आपणकर एक आपण मैंने देखिपे टोटाल 21 पदवी आपण मानक निजुक्ति रही टोटाल 55 आपणकर पदवी वैकेंसी रही। तो मुझे जो पदवी कहवापी चाहूँगी तार लोअर डिविजन क्लर्क देखो तो नॉन फैकल्टी पोस्ट जहाँकि रही लोअर डिविजन क्लर्क 10 वैकेंसी रही जोटा प्लस टू पाई रही। तो बहुत बढ़िया निजुक्ति रही। तो चलो डायरेक्ट आम लोअर डिविजन क्लर्क किपर आवेदन करेंगे स्टार्ट कर। तो आपण मैंने देखिपे ये समस्त ये पूरा डिटेल्स दे दीची जो मैंने आसीस्टाट प्रोफेसर पर आवेदन करेंगे से मैं 4% रखा जाकि रिवर्स पर PWD आपंक रखा जाइए। आ जो मैंने लोअर डिविजन क्लर्क आवेदन करेंगे से गोटे पोस्ट रिजर्व रही एक्स सर्विस मैन रही। तो क्वालिफिकेशन कौन रही आपण मैं देखिपे जो मैंने आसीस्टाट आवेदन कर प्रोफेसर पर आवेदन करूँ को क्वालिफिकेशन दरकार हायर क्वालिफिकेशन दरकार जहाँकि आपण मैं देखिपे ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंसर्न डिसिप्लिन सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपण मानक दरकार। तो मुझे आपको डायरेक्ट नहीं जाऊँगी आपण मैंने जोड़ा प्लस टू पिला आवेदन करेंगे। तो से आपने PDF फाइल तौल को स्क्रॉल करके आसतु ये आपको मिल जाव नॉन फैकल्टी पोस्ट। तो आपण मैंने देखिपे नॉन फैकल्टी पोस्ट एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन जहाँकि लोअर डिविजन क्लर्क LDC आपणकर पोस्ट थिला। एटी आपण क्वालिफिकेशन लिखा जाए आपण मैंने देखिपे 12th क्लास आपण मैंने इक्विवेलेंट पास करेंगे जदि ये पदवीपाई आवेदन करेंगे। से आपण टाइपिंग स्पीड थी दरकार 35 WPM इन इंग्लीश अन् कंप्यूटर आउ 35 WPM एंड 30 PM इन क्रस्ड मैं 30 PM क्रस कर दरकार मैक्सीम 35 WPM आपड़ी टाइपिंग स्पीड अच्छी तो बहुत भल कथा। तो आपण मैंने देखी आपण मान दरमा के देखो जो मैंने प्रोफेसर पर आवेदन करेंगे से 168,100-2,20,000 पर्यंत आपण मंथली एज पर 7th पे हिसाब से आपण मान दरमा मिल। तो आपण मैं जानते 7th पे ऑलरेडी लागू हो सारी तेणु सेंट्रल गवर्नमेंट तेणु 7th पे हिसाब से दरमा मिल आपको बहुत दरमा भल दरमा रखा जा। तो आपण मैंने जो मैंने लोअर डिविजन क्लर्क आवेदन करेंगे से लेवल 2 हिसाब से दरमा मिल जहाँकि 19,900 आपणकर 63,200 रखा जाता सहित आपण ग्रेड पे 1900 रखा जाए एज पर 7th पे आपण मान दरमा रपणकर बयस सीमा के चलतु देखने। देखु जो मैंने प्रोफेसर पर आवेदन करेंगे से 58 वर्ष रु कम होता निहाती दरकार 1/5/2019 पूर्व 58 वर्ष रु कम होते आने आवेदन करेंगे। आ जो मैंने आसीस्टाट प्रोफेसर पर आवेदन करेंगे से 50 वर्ष रु कम होता निहाती दरकार आ जो मैंने लोअर डिविजन क्लर्क आवेदन करते 30 वर्ष रु कम होता निहाती दरकार से आवेदन करेंगे। तो देखो आवेदन करने वेबसाइट लिंक मुझको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेगी। तो सही आपने जाकि आवेदन करेंगे जहाँकि आपण मैंने मोदी ये देखिपे JIPMER जो दे आड्रेस को जाकि दुईटा आड्रेस जेकोसी आड्रेस को जाकि आपण मैंने आवेदन करेंगे से आपको डिटेल्स मिल जाव। ओके,
लास्ट डेट ऑफ सबमिट आप्लिकेशन 1/5/2019 रखा जाइछि। 5टा सुधा आपन को आवेदन करिया पय पड़िबो 1/5/2019। तो ता पूर्वर आपन माने आवेदन करि नेबे जो माने प्लस 2 पास करछन्ति, जेटा गोटे बहुत बढ़िया निजुक्ति रही समस्त पाई। तो जो माने प्लस 2 पास करछन्ति निहाते आवेदन करंतु, सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी रही। ओके, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ସ ହୋଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।